तो हु वुडंट बी इट्स निमरत अलवालिया क्योंकि ऑल ओके आज मैं को बस नॉर्मल uh, लाइफ uh, नहीं जीना आई वांट टू मेक अ इंपैक्ट आई वांट टू ब्रिंग चेंज चेंजेस इन द सोसाइटी लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ होती है जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का फर्ज निभाते हैं हम आज बात करेंगे सिख एड के फाउंडर रौनक सिंह से हेलो रौनक वेलकम टू लाइफ और uh, काफी काफी टाइम से मैंने आपके बारे में सुना है आपके पेज को फॉलो किया है यू आर डूंगुलस फेब्युलस वर्क एंड इट्स इट्स एन ऑनर टू हैव यू सो मच फॉर कॉलिंग थैंक 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 यू 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 रौनक मुझे एक बात बताओ ये जो आप यू uh, नो you know, इतना काम लिए बात करते हो uh, ये जो टोन है आपकी

तो जो मम्मा अपने काम पे पापा अपने काम पे हाँ। ऐसा चीज था मतलब बिल्कुल ही इग्नोर चाइल्ड बोल सकते हैं मैं पेरेंट्स से भी लव नहीं मिला और स्कूल में तो वैसे भी उतना नहीं मिला क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है ना जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं उन पर ही फोकस किया जाता है और जो, जो, जो हम जैसे बैक बेंचर्स हैं उनको बैक बेंच पे रहने दिया जाता है तो so, मेरा चाइल्ड हुड भी वैसा ही निकला एजुकेशन भी मतलब स्टडीज वाइज इसमें इतना कुछ कोविड के पहले तक मैं इक्कीस बाईस साल का था मैं तब तू वो जैसे यंग ब्लड है घूमना फिरना सब चीज वैसे था yeah.

सो so, जब कोविड हुआ लॉकडाउन हुआ तो मैंने काफी लेबर्स के वीडियोस देखे न्यूज लोग जा रहे थे घर वापस ये। वापस तो उड़ीसा ऐसा प्लेस है ना मैम कि बहुत लेबर्स उड़ीसा से काम करते हैं सूरत में मुंबई में डेली में तो जब वो वापस आ रहे थे चल के तो हम लोगों को देख के लगा यार हम घर में बैठ के क्या कर रहे है हमारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज अगर हमारा कोई बंदा वहां पे होता और हम लोग तो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं ना कि कैसे आएगा कैसे जाएगा हुँ. कैसे अपने सेफली घर पहुंचेगा कोविड का टाइम सिचुएशन के बारे में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद बन पारें। पारें। पीपल वर वॉकिंग ऑन द रोड या कोई साइकिल में आ रहा है चार चार जन में कोई पैसे आ रहा है तो जो मैं एरिया में रहता हूँ ना कटक वो कनेक्ट करता है सब लेबर सिटीज को उड़ीसा के जो भी आएगा वहीं से क्रॉस हो जाएगा सो so, हम लोगों ने हाईवे में पहले लंगर का आ, स्टार्ट किया पानी बॉटल और लंगर ओके okay. क्योंकि बहुत लोग एज आपको पता है अप्रैल में लॉकडाउन हुआ hmm. मार्च एंड अप्रैल इतनी गर्मी और खाने पीने के लिए उनका कुछ सामान नहीं hmm. क्योंकि सबके लिए शॉकिंग था कोई सोचा नहीं था कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा और सब चीज बंद हो जाएगा अचानक ही था सबके लिए पीपल तो नॉट टेकिंग इट देसली और लेबर्स लोगों में वैसे भी वो इतने परेशान हो गए सबसे ज्यादा परेशानी वही हुए क्योंकि सब चीज बंद हो गया वो पे रहते हैं वो भी बंद हो गया से कमाते हैं वो भी बंद तो उनको चल के आना पड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बंद था तब हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया कि चलो लोगों की हेल्प करते हैं उससे पहले तक लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने उनसे बात की कि चलो सेवा करते हैं कर सकते हैं जी तो उनका ये था कि यार हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं हम तो नहीं जा पाएंगे बाहर क्योंकि कोविड के बारे में किसी को भी नहीं लेना चाहता था ना अब क्या है लोगों को कोविड के बारे में फिर भी थोड़ा नॉलेज है तब तो ऐसा था लोगों को लगता था बाहर जाएंगे तो कोविड हो जाएगा क्योंकि नॉलेज नहीं था कुछ तो उनके हिसाब से वो सही थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको अपनी फैमिली का कंसर्न है मेरे को भी अपने फैमिली का कंसर्न है लेकिन मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी वो मेरे को पूरा करना है तो आई स्टार्ट अलोन घर पे बात किया घर पे भी थोड़ा बहुत बोले कि मत जा क्योंकि एज एज पेरेंट उनको भी अपने बच्चे का फिक्र होगा लेकिन मैंने सोचा नहीं मेरे को जाना है

आज अगर वहां पे ऑलरेडी चीजें सब चीज मिल रही है और मैं वहां जा रहा हूं। और बस कुछ मेरे ने भी उस काफी सपोर्ट किया। और तब से मेरा आ, सोसाइटी के टुवर्ड्स बदला और मेरे मतलब मीनिंग पता चला कि मैं यहाँ पे सिर्फ शॉप पे बैठने नहीं आया हूँ या घूमने फिरने के लिए नहीं आया हूँ इस दुनिया में आई हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो को यहाँ पे करके जाना है। है hmm. you know, like, लोगों को को इस में खुद को क्या करना है, ये नहीं समझ आती। अपने आप को समझने में प्रॉब्लम होती है। आप निकल पड़े लोगों को समझने के लिए उनको हेल्प करने के लिए आई थिंक दिस इजीटली क्योंकि मेरे को लगता है अगर मैं तब नहीं निकलता ना hmm. तो आज जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा नहीं Absolutely. तो सिख एड में

Hmm. So I met my Drusty, तो उनके साथ मेरा हुआ बहुत hmm. like, बहुत लोग लोग होते होते हैं हैं जो जो के के लिए लिए आपके पास आएंगे बहुत लोग होते हैं जो बस के लिए आए किए सेवा करके चले गए hmm. लेकिन आपको एक वैसा विजन वाला बंदा चाहिए जो आपके साथ आपका माइंड अलाइन कर पाए तो मेरे साथ ठीक uh, है. हाँ जी, hmm. है, है जी वो है संवीर सिंह उनका नाम है तो उनके साथ मेरा हुआ

क्योंकि लोगों को भी लगता है ना देखिए आप बोल रहे हैं बट ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो मा, है मार्केट में मैं तो यही बोलूंगी लोगों से पैसा भी मांगते हो और आप दे भी देते हो आर श्योर दैट द द मनी इज गोइंग टू नीडी एग्जैक्टली करेक्ट क्योंकि कई बार होता है ना आपके साथ लोगों ने फ्रॉड कर लिया थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करके रख रहा है अगर oh. कोई कैसे पता चलेगा कि जिसको जरूरत है उसके पास जा रहा है स्कैम्स होते हैं कई सारे ऐसे बहुत सारे स्केम होते हैं

वो चीज शुरू शुरू मेरे को भी डिमोटिवेट किया क्योंकि मैं वैसा था नहीं मैं वैसा सोसाइटी में इतना मैं बहुत ही रिजर्व और मतलब शॉप से घर घर से शॉप तो जब मैं लोगों से मिलने लगा तो जब मेरे को क्रिटिसाइज करते थे ना लोग तो चीज क्या होता है ना आप अगर आपके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अगर आप वो चीज को मन में लगा लोगे ना कि गा मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं तो अगर वो बंदा या कोई लोग आपकी मतलब बुराई भी करेंगे ना तो वो भी आपको फील होगा बहुत ज्यादा करेक्ट तो मेरे फादर ने मेरे को एक चीज सिखाई कि बेटा ना तो कॉम्प्लीमेंट को इतना सीरियसली लेगा ना अपनी बुराई को you. कोई अगर बुराई करता है तभी आगे जा सकते हो बिकॉज सी सेल्फलेस होना इतना आसान नहीं है इनफैक्ट कभी भी आप यू you नो know, जब आप सेल्फलेस होने की बात करते हो आई डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ बीइंग सेल्फलेस आप मुझे बताइए सेल्फलेस होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचना छोड़ दें hmm. लेकिन आप ये सोचे कि आपको सोसाइटी को पे बैक क्या काम करिए घूमिए फिर ये, जो करना है करिए अपना लाइफ एंजॉय करिए लेकिन दिन में आप एक घंटा तो निकाल सकते हैं सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटी प्रूफ करने के लिए या कुछ करने के लिए आपको बड़ी सेवा नहीं करती आज अगर आप अपने कोई बड़ों से ढंग से बात hmm. भी कर लोग प्यार से बात भी करेक्ट करेक्ट वो भी उनको मतलब वो आपको बोलेंगे गॉड ब्लेस या कुछ क्योंकि आज का जमाना ऐसा है ना आपको फ्री में गॉड ब्लेस यू भी नहीं बोलता

और <perfektionic> अभी रिसेंटली मैंने अपना एक ब्रांड भी शुरू किया स्क्यू डेक या इट्स अ स्ट्रीट वेयर ब्रांड एंड होपफुली विद द नेक्स्ट 3 4 मंथ्स हम लोग ग्लोबल जाएंगे ओके okay. क्योंकि स्टार्टिंग में रिस्पांस भी काफी अच्छा मिला विल गो ग्लोबल एंड उसमें भी हम okay. उस लोग का एक चैरिटी ये है लाइक 10% ऑफ द इनकम विल गो टू सिकिट ओके वो चीज हम लोग फिर सेवा में यूज करेंगे प्लस हमारे वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ है है कॉज को सपोर्ट करने के के लिए लाइक नॉर्मल पेजेस पे क्या होता जो जिसको इंटरेस्ट है वही आता है यूथ को तो आजकल इंटरेस्ट है नहीं है। जो फैक्ट यूथ को कम है एनजीओ वगैरह में इंटरेस्ट तो हम लोगों ने अपना क्लोदिंग वेबसाइट पे एक सेक्शन बना दिया डोनेशन लोग अगर सोचो जो हजार रूपए की टी शर्ट खरीद रहे हैं वो नीचे दस रुपए ऐड करके चेकआउट कर सकते हैं अच्छा

I want लोग को mm. लोग को तरफ और ज़्यादा क्योंकि आज के डेट पे ऐसा है मैंने mm. मैंने सब कुछ देख लिया मरी जेब में दुनिया को भी पहचान लिया, <laughs> भी लिया। mm. तो ये चीज है आज के डेट पे अगर आपके पास मतलब कोई काम नहीं है ना मतलब आपसे अगर mm. कोई काम नहीं है तो कोई आपके पास आएगा भी नहीं दिस इज रियलिटी तो वो चीज सोच के मैंने सोचा कि नहीं आई हैव टू डू समथिंग तो लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि हम लोग को ब्लेसिंग्स भी चाहिए लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम दस बार बीस बार ले लिया तो हम लोग अच्छे हो गए लेकिन आपका कर्म का क्या आपको कर्म भी तो करना है कर्म के साथ साथ आप भगवान का नाम भी लीजिए लेकिन आपको कर्म भी अच्छे करने हैं। भगवान का नाम ले रहे हो लेकिन यो, यो लोगों के तो अभी कुछ दिन पहले ही मतलब उनसे मतलब उन अच्छा करता हुआ, देखना चाहता है ठीक है तो मेरे फादर ऐसा है अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ ना मेरी टीच में ही समथिंग और हाँ. कुछ ना कुछ लेसन देते ही है हाँ. तो कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही बैठा हुआ था डायट से बात कर रहा था लाइफ में तेरा गोल क्या है पर्पज क्या है मेरा अभी जरूर मैं सेवा की तरफ हूँ लेकिन नहीं पता तो इतना सोचना भी नहीं है सेवा के बारे में क्या रोल है आज अगर तू किसी को हॉस्पिटल लेके जाता है डॉक्टर बोलता है जा मेडिसिन लेके के आए पेशेंट को बचाना है तो uhum. एक बार गया तो मेडिसिन लेके आ गया दूसरी बार गया थर्ड टाइम वा तू कर्मा लेके अच्छा कर्म किया ही नहीं है

कहते हैं जैसे एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए But these days, एक जी का पैकेट भी कोई कोई देने जाता है 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 समझ समझ आ आ गया गया ये बड़ा चल रहा 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 आजकल पानी पानी पिला रहा है, पानी की बोतल ले लेना नहीं भूलता हमारे फादर या दादाजी जैसे बिजनेस करते थे हुँ. क्या हम अभी वैसे हाँ. आजकल बिजनेस प्रमोशन के भीते हैं तो

लेकिन वो लोग अगर पांच लोगों को भी रहे चीज़ से hmm. uh, ये जो आपका कम्युनिटी है एनजीओ है एड थोड़े ही टाइम टाइम में यू नो ज़्यादा तो कुछ uh, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप हाईलाइट करना चाहोगे like, कोविड hmm. हम लोगों ने अराउंड 50000 हजार को ऑक्सीजन सिलेंडर और बेसिस अराउंड थाउजेंड लोगों को होम क्वारंटीन पेशेंट्स को लंगर जाता था क्योंकि फूड नहीं कुक कर पाते थे हम okay. लोग का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट नो स्पॉट जिसमें हम लोग रीयूजेबल सैनिटरी हैं mm. क्योंकि अभी प्लास्टिक इतना हो गया और लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि रीयूजेबल भी है क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है तो रूरल में हम वो कर रहे हैं, okay. हैं जहाँ yeah. उनका होता है कि सुबह आ तो रात को जाना है दस बजे yeah. तो उनको खाने का नहीं होता, yeah. कुछ नहीं होता फैक्ट्री पे तो हम लोगों ने वहाँ लंगर का सिस्टम किया हुआ इन भुवनेश्वर इट्स इन कटक तो जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है हम लोग ट्राई करते हैं कि वीक में लंच प्रोवाइड कर दे क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं खाने पीने का उनका कोई ये नहीं है तो वो इग्नोर करते हैं तो ऑन लॉन्ग रन ये चीज़ उनके हेल्थ पे करेगा प्लस हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स में काम करते हैं अभी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ आपने सुना ही होगा बाड़ीसा में उड़ीसा में उड़ीसा में या हम लोगों ने वहां भी लोगों के साथ काफी काम किया अराउंड थर्टी फोर्टी व्ही डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों पेशेंट्स को

राइट right? बट uh, ये जो लंगर वाला भी कॉन्सेप्ट है सो हाउ डू यू डू इट आई मीन कहाँ बनाते हैं अब इज देर बिग किचन दैट यू हैव सिकेड गुरु नानक देव जी जो हमारे फर्स्ट गुरु है उनके थ्री प्रिंसिपल्स पे बना है mm. कीरत करो नाम जब हो वर्ण सको mm. कीरत करो मतलब होता है अपने ऑनेस्टी से अपने पैसे कमाइए mm. नाम जब हो मतलब होता है भगवान का नाम चरण करिए वर्ण छको का मतलब होता है कि आप

लोग तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं सेल्फीज लेते हैं। क्या व्यवहार हो रहा है। you know, uh, animals के साथ भी जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है प्रशासन की या जो वो सेल्फीज ले रहे हैं जिन, जिन पता ही नहीं कि हम कुछ गलत हो नहीं पता कैसे नहीं है जिसमें केदारनाथ में एक लड़की एक लड़का को प्रपोज कर दी है At least दर्शन हो सके, और भी कोई जो नहीं जा पा रहे mm. आप वायरल हो mm. जाओ दट इज रॉ आज वहा घोड़ो को भी इतना परेशान किया जा रहा है लाइक अगर आप नहीं चढ़ सकते हो फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर से चले no. जाओ करेक्ट चल के चल जाओ अगर नहीं उतना चल के भी नहीं हो रहा है तो स्टॉप ले लेके चल जाओ एनिमल्स को क्यों परेशान और मैं देख रहा हूँ काफी हैं 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 जो जो डाल रहे रहे कि save, uh, horses save this. लेकिन वो वही लोग हैं जो खा रहे, मटन खा रहे तो उनको वो चीज भी देखना पड़ेगा कि अगर वो किसी को इधर भी मार रहे हैं और उधर भी मार रहे तो दोनों सेम है आपको दोनों के लिए सम्पत्ति होना चाहिए आजकल लोग ना अपनी संस्कृति भूल रहे आज आप देखेंगे ना बाहर के लोग इंडिया आके इंडिया का कल्चर अपना रहे यहाँ के लोग वो क्लब कल्चर पार्टी कल्चर में ज्यादा जा रहे हैं yes. जबकि हम लोगों को अपने के, साथ होना hmm. लेकिन बाहर के लोग पैशनली हमारे यूथ को गुरु के साथ जुड़ रहे हैं मेडिटेशन hmm. को है। uh, के, you know, के लिए वगैरह मैं अभी जब रथ यात्रा हुई थी पूरी जब मैं वहां गया था मैंने नहीं नहीं करके दस से पंद्रह हजार फॉरनर्स देखे होंगे जो प्रॉपर क्या बोलते हैं हिंदू में पंडित के बेस में पूजा कर रहे हैं और हमारी यूथ को आगे में कोई फिक्र ही नहीं है ना वो पूजा करते हैं ना वो कोई अच्छा सोसाइटी के लिए काम करते हैं उनको बस शो ऑफ करना है आप अब देखोगे ना आज अगर कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फोटो डाल देता है तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है कि दिखावे के लिए डाल रहे हैं अरे तू भी तो क्लब जा रहा है तू भी तो दिखावे के लिए डाल रहा है

है कोविड का सिचुएशन जब बहुत लोग लीड्स प्रोवाइड कर रहे थे अपने तो, स्टोरी तो, पे सब चीज़ तो, कर रहे थे वहाँ इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए कुछ लेना देना नहीं है अपना वो कॉफीज एंजॉय कर रहे हैं तो, तो, तो वो सब चीज़ था तो तब मैंने मेरे को एक्चुअल में पता चला कि ये सोशल मीडिया लाइफ फेक अभी आपने नया तो, केस सुना होगा कुशा कपिला का जब हुआ छः साल का रिलेशन उनका ब्रेक हुआ

तो हम लोगों के साथ अभी काफी हैं। है ये नहीं बोलूंगा हम लोगों लोगों के के yes. पास आए। हम लोगों के साथ लोग हैं। hmm. अभी है जो गए ना उनके पास बात करने पिच करने के लिए सेवा कर रहे, आप बोर्ड आइए सपोर्ट करिए जी हम लोग से ज्यादा आइडिया उन्होंने हम लोग को दिया कि कैसे कर सकते हैं कैसे प्रमोट कर सकते कैसे लोगों को बेनिफिट कर सकते है तो धीरे धीरे वो चीज आ गया तो लोग आपके फेम को प्यार करते हैं आपके काम को प्यार नहीं करते। वो चीज़, है जब हमारे पास पांच सौ किसी ने सपोर्ट नहीं किया काम से प्यार होता तो आपको फाइव हंड्रेड में भी फाइव हंड्रेड फॉलोवर्स में भी आपको दिख जाता काम हुँ. तो वही चीज है सो, टोटली फेक लाइफ है हुँ. जो लोग दिखा रहे वो है नहीं जो नहीं दिखा रहे वही है समझ लीजिए

एंड वॉट इज योर मैसेज टू द युवा आप जो कर रहे हैं करिए लेकिन अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए hmm. आप अपना डालिए जरूरी नहीं है कि आप बस खाना बांट के या कोई नेचुरल uh, कैलॉमिटीज में काम करके इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा पढ़ भी रहे हैं ना तो भी वो इनडायरेक्टली देश को इम्पैक्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए हम hmm. लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं लाइक बच्चों जो बच्चे रस्ते में बैग करते हैं hmm. हम लोग उनको पैसे पगड़ाते हैं Hmm. वो चीज भी गलत है आज बेगर्स का इंडिया में बढ़ने का रीजन वही है आज अगर उनको आप पकड़ के एजुकेट कराओ ना तो वो आगे जाके अपना फैमिली का पूरा सर्कल ही बदल देगा sure. वो हमारी गलती है और ये चीज पे हमें जरूर वर्क करना चाहिए क्योंकि yeah. लोग नहीं समझते वो चीज आज उसको दस रुपए मिल रहे हैं ना इसलिए वो कल आ रहा है उसको पता है उसको बीस मिलेंगे आज अगर आप उसको पकड़ के एजुकेट करोगे ना तो अपने वो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक करेगा प्लस एक एजुकेटेड पर्सन एक एजुकेटेड चाइल्ड बन के देश को भी आगे बढ़ने में हेल्प करे सो आई वुड रिक्वेस्ट आपके मीडियम से कि यह बेगर्स को पैसे देना बंद करिए अगर कुछ देना ही है तो उनको एजुकेट करिए जी थैंक यू uh, रौनक बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड वी लर्न टू नॉट अबाउट ह्यूमैनिटी टुडे और सेल्फलेसली uh, काम करना और ह्यूमैनिटी uh, के लिए काम करना जो बहुत जरूरी है जो हम आमतौर पर भूल जाते हैं राइट सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड टू द ऑडियंस अगर आप रौनक के जो एनजी की जो एनजीओ सिख एड इनसे जुड़ना चाहते हैं यू यू इफ़ टू डोनेट नो एनी काइंड ऑफ अमाउंट सो आप डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक दी हुई है चेक आउट हैंडल्स ऑल्सो and uh, watch the episode. Thank you. Thank you.